समस्तीपुर जिले में बीती रात तेज रफ्तार कार सवार रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर विमल कुमार सिंह ने लगभग आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य चार की स्थिति नाजुक है। वहीं मृतक बच्चे की पहचान जितवारपुर निवासी परमानंद राय की बेटी मनीषा कुमारी उम्र 14 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल है। घायलों में से एक को पटना रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार चला रहे समस्तीपुर स्टेशन के ASM विमल कुमार सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना में जख्मी की पहचान विशनपुर गांव निवासी नवल किशोर राय के बेटे श्याम किशोर उर्फ हीरा के रूप में की गई है। एक अन्य घायल की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई है, जिसे बहादुरपुर स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद गिरफ्तार किए गए कार सवार असिस्टेंट स्टेशन मास्टर विमल कुमार सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मृतका मनीषा शहर के निजी स्कूल में नवीं क्लास की छात्रा थी। वह शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद कॉपी खरीदने के लिए जा रही थी, इसी दौरान यह घटना हुई है। आक्रोशित लोगों ने वाहन को नुकसान भी पहुंचाया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। स्वर्ण रानी के साथ रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। बच्ची की मृत्यु हो गई है, दो तीन दिन बहुत हाई बच्ची का पोस्टमार्टम सामाजिक लाभ वगैरह मिल रहा है, लोग कर रहे हैं और जो हाई है उनका भी इलाज किया जा रहा है। खट गया में करके काम में तोड़ फोड़ देते हैं, काम में तोड़ और गुस्से में कुछ लोगों ने शीशा तोड़ा है, गाड़ी को ज्यादा नुकसान लोगों ने शीशा तोड़ा है। गाड़ी ऑनर को हिरासत में लिया गया क्या? अभी हमारे कब्जे में है, देखते हैं ड्राइवर है कि ऑनर है, जिसे ऑनर। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें तीज टावर। तो संपर्क करना ना भूलें, गया पटना रोड अपोजिट JD गोयनका पब्लिक स्कूल रसलपुर गया बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।